हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर गुरु जी में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, रेडमी नोट 4 का रिसेंट कैसे मारते हैं, तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल के सेटिंग्स में चले जाना है, तो मैं सेटिंग्स में चले जाता हूँ। तो दोस्तों, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे कर लेना है। नीचे आने के बाद आपको आपको चले जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। और एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों, आपको इस पेज पे आने के बाद आपको ये सिंपली इधर नीचे कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है सिंपली। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली नीचे कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा रीसेट, तो इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे के आइकन पे रीसेंट रीसेंट फोन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका पूरा मोबाइल न्यू जब रीबूट आता है वैसे बूट करने के लिए आ जाएगा। आपका न्यू मोबाइल जैसे आता है वैसे हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग सिंपली, मेरे को करना है रीसेंट फ़ोन, तो मैं इसको दबा देता हूँ। और यहाँ पे जो सिंपली आप इस पर जो लॉक लगा होगा वो लॉक सिंपली यहाँ पे इंटर कर लेना है, तो मैं इंटर कर लेता हूँ दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही कुछ इंटरफेस आएगा जो अपना लॉक देने के बाद, तो आपको सिंपली यहाँ पे 3 सेकंड और रुक जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो नेक्स्ट के क्लिक करने के बाद 10 सेकंड का टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देना है। और ये सिंपली आपका मोबाइल बंद हो जाएगा और ये रीबूट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसको बूट होने तक वीडियो को स्किप कर लेता हूँ।